बीजेपी ने जब इंडिया अलायंस से जयंत चौधरी को तोड़ा, तब से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 2019 की हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने जाटलैंड में फतेह के लिए आरएलडी को एनडीए में शामिल कराया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें भी हैं, जिनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इन सीटों पर पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था, लिहाजा बीजेपी ने इस बार यूपी के लिए मिशन 80 का खाका खींचा है, यानी सूबे की सभी सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दाल नहीं गली थी और सपा बसपा के गठजोड़ से बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। इस बार बीजेपी को जयंत चौधरी की आरएलडी का साथ मिल गया है। 2009 में भी आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों गठबंधनों के समीकरण का भी इम्तिहान होना है। जाटलैंड यानी जाट बहुल मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को जहां जयंत के सहारे इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे में जीत के समीकरण नजर आ रहे हैं। रामपुर, कैराना, बिजनौर जैसी सीटों पर सपा की असल परीक्षा होनी है। ये सभी 8 सीटें ऐसी है जहां जाट वोटर के साथ साथ पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटर चुनाव नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी को जयंत का साथ इतना जरूरी क्यों है। इसके लिए 2019 के नतीजों पर गौर करना होगा। बीजेपी को यूपी में 2014 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ था और इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 8 सीटों की बात करें तो 2019 में बीजेपी इनमें से केवल 3 सीट पीलीभीत, कैराना और मुजफ्फरनगर जीत सकी थी। मुजफ्फरनगर सीट पर कड़े मुकाबले में बीजेपी को जीत नसीब हुई थी और जीत का अंतर सिर्फ 6526 वोट का था। पीलीभीत से वरुण गांधी जरूर 2,66,000 वोट के अंतर से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन कैराना में भी जीत का अंतर 1,00,000 से नीचे ही रहा था। अभी आजम खान के रसूख वाली रामपुर सीट बीजेपी के पास है, लेकिन इस सीट पर पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी। वहीं सपा बसपा के गठजोड़ ने यूपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए पश्चिमी यूपी में 5 सीटें जीती थी, जिनमें बसपा को सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर जीत मिली थी, जबकि सपा ने मुरादाबाद और रामपुर सीट पर कब्जा किया था। बहरहाल सियासत में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए राजनीतिक दल छोटे मोटे समझौते करते हैं, लिहाजा जयंत चौधरी बीजेपी के लिए जरूरी से ज्यादा मजबूरी है। वहीं जयंत की कमी से इंडिया अलायंस की ताकत में कमी जरूर आई है, लेकिन यूपी के इस हिस्से में बीजेपी की जीत का रास्ता बेहद कठिन है। जाति समीकरण का फायदा इंडिया अलायंस को भी मिल सकता है, लिहाजा 4 जून को देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।